ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। स्टेट टॉक लगातार जारी है। टीवी स्क्रीन पर जो फोन नंबर दिखाई दे रहा है, आप भी कॉल करके स्टेट टॉक का हिस्सा बन सकते हैं। आप लोगों की राय आमंत्रित है कि क्या मुस्लिम ब्रदरहुड से बीजेपी की, आरएसएस की विचारधारा की तुलना सही है? क्या विदेशी सरजमी पर राहुल गांधी जो भी बयान दे रहे हैं, देश की सरकार, देश की सत्ताधारी पार्टी और उसकी संचालक संस्था जिसे सांस्कृतिक संगठन का नाम दिया गया है आरएसएस, उसके ऊपर जो भी आरोप लगा रहे हैं, क्या वो सही है? सवाल ये भी कि क्या इससे हासिल करने जा रहे हैं राहुल गांधी? सवाल ये भी कि क्या उनके आरोप सही हैं? क्या आरएसएस और बीजेपी जो संस्थाएं हैं देश की, जिनके ऊपर कोई दखलंदाजी जिनके काम में नहीं होनी चाहिए, जिनके काम के ऊपर कोई विचारधारा नहीं थोपी जानी चाहिए, क्या उनके ऊपर विचारधारा थोपी जा रही है, कामकाज के ऊपर दखलंदाजी की जा रही है? ये तमाम सवाल हैं जिनके ऊपर आप अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि आज मुस्लिम ब्रदरहुड की सरीखी, उससे मेल खाने वाली आरएसएस और बीजेपी देश में राज कर रही है। क्या यह तुलना सही है? क्या देश पर आरएसएस की विचारधारा थोपी जा रही है? ये भी सवाल है। आप इसके ऊपर भी अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, क्या उनके कामकाज में दखल दिया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, एक पार्टी होने के नाते, और आरएसएस की तरफ से? क्या आरएसएस में महिलाओं के लिए कोई जगह नहीं है, जो कि राहुल गांधी का आरोप है? यह अपने आप में बहुत बड़ा आरोप है। और क्या बीजेपी आरएसएस के नाम पर डर की राजनीति कर रहे हैं राहुल गांधी, लोगों को बीजेपी आरएसएस की विचारधारा का डर दिखाकर समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी? विदेश में जाकर विरोधियों पर आरोप लगाकर आखिर राहुल गांधी साबित क्या करना चाहते हैं, हासिल क्या करना चाहते हैं? आप हमसे स्ट्रेट टॉक कर सकते हैं कि क्या देश की छवि और राजनीतिक दलों को बदनाम और खराब करने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं अपने लगातार दिए जा रहे बयानों की वजह से। राहुल गांधी ने कहा है कि आज देश में जिस विचारधारा का राज है, वो महज देश को बांटने का काम कर रहे हैं। लेकिन जब बीजेपी को राहुल गांधी के आरोप सुनाई दिए, तो उन्होंने कांग्रेस के ऊपर ही देश को, देश की तमाम संस्थाओं को, देश के ढांचे को बांटने का आरोप लगा दिया। आज हिंदुस्तान में जो सरकार है, दूसरे तरीके से काम करती है। हमारा कंपटीशन चाइना से है, या रोजगार उधर जाएगा या फिर हिंदुस्तान आएगा। और बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग हमारे ही देश को बांटने में लगे हुए हैं, हमारे ही देश में नफरत फैलाते हैं। हमारा काम लोगों को एक साथ लाने का है और देश को आगे बढ़ाने का, और यह काम हमने करके दिखाया है। जा रहे उन अंग्रेजों के दर पे, जिनके आगे घुटने टेक के आपने बाकायदा प्रस्ताव पारित करके, सिग्नेचर करके देश को बांटा था, और उनके आगे जाके आप ये बोल रहे हैं बांटने का काम कर रहे हैं। मैं तो ये कहूंगा कि आपने किस किस चीज को नहीं बांटा है। आपने शिक्षा में बांटा, स्वास्थ्य में बांटा, बैंक के लोन में बांटा, सुरक्षा में बांटा, राजनीति पे बांटा, वो तो अलग ही था। और वो लोग जाकर उन अंग्रेजों के दरवाजे पे दस्तक देते हुए कह रहे हैं कि साहब हमने बांटने का काम किया है। तो मेरा मानना यह है, जो इन्होंने किया, क्या क्या नहीं बांटा है, धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, सब कुछ में तो बांट दिया। इनके लिए तो वो दो पंक्तियां आती हैं कि बांटे आंगन और गलियारे, बांटे गली मोहल्ले सारे, बांटे मंदिर और गुरुद्वारे, शिक्षा, न्याय, सुरक्षा में भी मजहब की दीवार काट दी, तुमने एक वोट की खातिर देश की हर बुनियाद बांट दी। और अब विदेश में जाकर भारत को लांछित करने का प्रयास कर रहे हैं। जी हाँ, आखिर बंटवारे की राजनीति कौन कर रहा है, कौन बांट रहा है, आरएसएस, बीजेपी या कांग्रेस? दोनों पक्ष आपके सामने हैं। आप लोगों का क्या मानना है, आप भी कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि चीन से भारत का सीधा मुकाबला है, या तो विकास, रोजगार उस तरफ जाएगा या फिर इस तरफ आएगा। लेकिन
चीन इस मामले में कहीं ज्यादा बेहतर कर रहा है। चीन हर दिन 50,000 रोजगार दे रहा है, जबकि भारत महज 450 रोजगार दे रहा है। बीजेपी ने भी इस पर पलटवार किया है। बीजेपी ने भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा है कि देश बेहतर तरीके से बेहतर दर के साथ तरक्की कर रहा है। हिंदुस्तान में करोड़ों युवा हैं। चाइना की सरकार 24 घंटे में 50,000 युवाओं को रोजगार देती है। हर 24 घंटे 50,000 नए युवाओं को रोजगार मिलता है। हिंदुस्तान की सरकार 24 घंटे में सिर्फ 450 युवाओं को रोजगार दे पाती है। लंबे भाषण होते हैं, नफरत फैलाई जाती है, मगर किसान आत्महत्या करते हैं, युवाओं को रास्ता नहीं दिखाई देता है। तो हम चाहते हैं कि हम हिंदुस्तान आगे बढ़े, एक साथ आगे बढ़े। अरे जवाब तो आईएमएफ की रिपोर्ट में पढ़ लीजिए, जो कह रहा है कि अगले वर्ष भारत की विकास दर चीन से ऊपर होने वाली है। भारत की सरकार की बातों पर आपको अविश्वास है और अविश्वास रखना आपकी फितरत है, परंतु आईएमएफ की रिपोर्ट पढ़ लीजिए। पिछले महीने भारत फ्रांस को पीछे छोड़कर आकार की दृष्टि से विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना, और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के अनुमान के अनुसार 2020 से पहले पहले भारत ब्रिटेन को पीछे छोड़कर आकार की दृष्टि से पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। माननीय राहुल गांधी जी, आपको समझ में नहीं आ रहा बर्लिन से लंदन की यात्रा करते हुए भी? जी हाँ, तो ये सब कुछ हो रहा है, एक विदेश में बयानबाजी हो रही है और फिर देश में उसके ऊपर पलटवार किया जा रहा है। दोनों ही पक्ष हैं। राहुल गांधी जब विदेश में जाकर देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर सवाल उठाते हैं, मोदी सरकार के फैसलों के ऊपर सवाल उठाते हैं, और अलग अलग फैसले हैं, वो चाहे डिमोनेटाइजेशन का फैसला हो या फिर नोटबंदी का फैसला या फिर जीएसटी का फैसला हो, इन तमाम फैसलों को लेकर वो सवाल उठाते हैं। सीधे सीधे आरोप लगाया जाता है कि नोटबंदी ने और जीएसटी ने देश की अर्थव्यवस्था को धक्का पहुँचाया है, इससे अर्थव्यवस्था डावाडोल हो चुकी है, उद्योग धंधों पर असर पड़ा है, रोजगार लोगों को नहीं मिल रहा है। जब राहुल गांधी हैमबर्ग में ये कहते हैं, जर्मनी में ये कहते हैं, तो फिर बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि देश की छवि को खराब कर रहे हैं राहुल गांधी विदेश में जाके। क्या विदेश में जाकर ये कहना जरूरी है? विदेश में जाकर इस तरीके के आरोप लगाना क्या जरूरी है? अगर राजनीतिक मतभेद है, सरकार के कामकाज से किसी भी तरीके की नाराजगी है, तो वो देश में रहते हुए विरोध किया जा सकता है। विदेश में जाकर विदेशी सरजमी के ऊपर भारत की छवि को धूमिल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए राहुल गांधी को, ये बीजेपी की तरफ से कहा जाता है। लेकिन जब बीजेपी की तरफ से ये सलाह दी जाती है तो कांग्रेस याद दिलाती है कि इसकी शुरुआत कहां से हुई थी। क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पहले भारत की पहचान थी स्कैम इंडिया, हम बनाना चाहते हैं स्किल इंडिया। क्या नरेंद्र मोदी ने नहीं कहा था कि अब उनकी सरकार आने के बाद हम इसे स्किल इंडिया बनाना चाहते हैं? ये सवाल कांग्रेस की तरफ से उठाया जा रहा है। एक प्रधानमंत्री होने के नाते उन्हें क्या ऐसा बयान देना चाहिए विदेशी सरजमी के ऊपर? वो बयान भी आपको सुनाएंगे, और आप लोग क्या कहना चाहते हैं वो भी तमाम देश दुनिया को हम सुनाना चाहते हैं। टीवी स्क्रीन के ऊपर जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है, डायल करके आप भी कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। स्टेट टॉक में आप भी अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। एक छोटे से ब्रेक लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद आपको सुनवाएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को लेकर विदेश में क्या कुछ टिप्पणियां की थी।